दूर से देखने में ना ये देखें खूबसूरत लग रहा है। नए घर में सफाइयां हो रही हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब जैसे कि न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं और पहली मॉर्निंग है हमारी न्यू घर में, जो कि बहुत ही मज़ा आया क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है ना। सुबह सुबह तो हमने इतना इन्जॉय किया है सर्दी को, और इन्जॉय के साथ साथ सर्दी भी काफ़ी लगी है जाहिर सी बात है, लेकिन ना हमें रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आई है क्योंकि न्यू घर में ना अक्सर होता है कि किसी को नींद आ जाती है किसी को नहीं आती, और सुबह भी फिर ना बस जे के जल्दी उठ गया। वैसे भी सुबह एक दिमाग में टेंशन भी थी ना सारी रात की, हमने सुबह उठना है और इतना ज़्यादा काम पड़ा है, हमने घर की जो भी चीज़ें हैं ना ये सारी हमने अपनी जगहों पे रखनी है, तो एक टेंशन थी शायद हो सकता है इस वजह से नींद ना आई हो, लेकिन ये कि सुबह जल्दी उठ नई जगह थी ना इसलिए ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, तो सुबह से उठ के ना भाई हम काम में बिजी थे, सिस्टर भी यहीं रुकी थी, अम्मी जी भी यहीं रुकी थी, तो सुबह जल्दी उठ के ना हम सब ने मिल के ना पूरे घर की जो भी चीज़ें थी ना वो उनको सेट किया है, और ख़ास कर सेट करने से पहले पूरे घर की सफाई की है। अभी ऊपर वाला पोर्शन रह गया है लेकिन ये कि नीचे वाले की ना सारी ग्राउंड फ्लोर की हमने सफाई की है, बाहर से अंदर से और पीछे वाली बैक साइड से पूरा का पूरा क्लीन किया है, लेकिन ये कि पोछा चोछा रह गया तो मैंने कहा पोछा मैं खुद लगा लूँगी, फिर अम्मी जी जो है ना वैसे भी थक गई थी करवा करवा के ना, अम्मी जी ने काफ़ी हेल्प करवाई है, सिस्टर ने भी काफ़ी हेल्प करवाई है, मैंने कहा अब जो बच गया है वो मैं खुद कर लूंगी और फिर उससे करवाऊंगी। जाहिर सी बात है इनका हक भी है, सारा हमारा घर तो नहीं है ना, इनका भी घर है। यहाँ पे नहा धो के साफ सुथरे होके खड़े हो गए जिससे इनको कोई काम हमने बोलना ही नहीं है। नए घर में पहला दिन पहली सुबह बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। खैर मुबारक मुबारक आपको भी मुबारक हो, लेकिन सफाई होगी है लेकिन जस्ट थोड़ा बहुत सामान जो कि बाहर रह गया है, जैसे कि उसमें एक ही चीज़ है, बाहरी टेबल थी हमारी जो कि हम लेडीज से नहीं उठी ना, तो हमने कहा कि फिरोज से हम लोग उठवाएंगे, तो वो इनके लिए रखी है, मैंने सुन लिया आपके लिए रखी है। भारी चीज है तो मैं उठाता हूँ, तुम लोगों के साथ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना, फिर दोनों पकड़ वो इसीलिए तो मैंने आपकी रखी थी, मैंने कहा कोई काम आपने भी करना है, सारा हमारे जिम्मे तो नहीं है ना। देखे बच्चों के सारे। हाँ बच्चे तो भाई मैं क्या कर सकते हैं, सुबह से सारी सफाई की है, ये देखें जी सारा का सारा साफ सुथरा हुआ पड़ा है, और यहाँ पे फिर से बच्चों ने ना ये थैलियाँ गत्ते शादी जो है ना फाड़ के रख दी, टेबल भी धोई थी, कुर्सियाँ भी धोई थी, सब कुछ धोया है, और ये वाली टेबल है जो कि हमने रखनी है अंदर, इससे स्टैंड जो हमारा था ना तो ये अंदर रखनी है, और ये कबाड़ का सामान है, कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दे देंगे, ये अंदर रखनी है। कपड़ा ले लो तुम, सफाई करता हूँ मैं, कपड़ा शपड़ा लगा। हाँ इसको मैं गीला कपड़ा देती हूँ, मारो वो तो मैं भी मार दूंगी, हाल में रखनी ये पहले अंदर ले तो जाए, फिर देखेंगे जहाँ पे ठीक लगी, हाल में या कमरे में जहाँ पे सीट ठीक ठाक लगी, बाकी मशवरा कर लेंगे सबसे। इसलिए तो आपके लिए रखी है, सारा हाथों होकर सामान तो ले जाए। बताओ तो सही की चप्पी ला रहे, तुम नहीं देख रही मुझे, क्या पता पीछे क्या है, इधर में ठोका है। ओए क्या रखा है इसमें अंदर, सामान बच गए, कपड़े वगैरह हैं और तो कुछ खास। ओए 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 पता लग रहा है, ये कौन कर रहा है, ये नहीं हो रहा हां दसो, ओए ये बाहर रखनी है, अंदर रखनी है, हां रखनी है। तो टेबल हमने अंदर रख दी है और फिलहाल तो बस ऐसी आरजी हमने यहाँ हॉल में रखी है, और देखते हैं अगर शाम तक कोई और प्रोग्राम बन गया तो किसी और का हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन, जो कि आपको पता है लेडीज की फेवरेट किचन होती है, तो किचन मैंने भी सबसे पहले सेट किया है। अभी ये बता दूँ कि हमारे नीचे के दराज हमने नहीं लगवाए क्योंकि हमें ना शिफ्ट होने की बड़ी जल्दी थी, हमने कहा बस जल्दी से जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाएँ, उसके बाद ये होता है कि बंदे को जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे दराज लगवानी है या कुछ भी, अगर बंदे को पहले लगवाना है तो वो जल्दी जल्दी से लगवा लेता है, तो बस इसीलिए हमने यहाँ पे दराज नहीं लगवाई है, बाकी और कोई वजह नहीं, जब लगवाएंगे तो इकट्ठे नीचे भी लगवा लेंगे और ऊपर भी, तो इसी वजह से ना आपको थोड़ा सा सामान फैला हुआ नजर आएगा लेकिन इतना ज़्यादा कोई फैला हुआ नहीं है। यहाँ पे अभी हमने सिलेंडर आज तोड़ कर रखा है, इसकी बैक साइड पर जगह है तो वो भी शाम तक लगवा लेंगे, और यहाँ पे ना सारा मैंने मसाला जात रखे हैं, और यहाँ पे देखें ओवन फिट कर दिया है, और यहाँ पे ये हमारी एग मशीन थी, जूसर है, तो ये सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, और नीचे वाली जगह पे भी ना अभी जो कि आपको पता है फर्स्ट डे है तो कुछ हमने रख दिया है कुछ नहीं रखा है, तो फिलहाल ऐसी आर्जी तौर पर सामान बस यहाँ पे रख दिए कि यहाँ से ना खाली हो जाए, कल हमारी ये वाली जगह इतनी ज़्यादा भरी हुई थी ना, अभी ये कि हमने यहाँ से सफाई कितना तो सफाई के चक्कर में हमने सारा नीचे रख दिया है, और यहाँ पे सारे बर्तन वॉश किए थे जो कि शाम में हमने खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, यहाँ पे कप्स हमने रख दिए हैं और गिलास वगैरह डिशेस सब कुछ हमने ना अच्छे से लगा दिए। दूर से देखने में ना ये देखें खूबसूरत लग रहा है, इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये नीचे की ड्रॉर्स लग जाएंगे ना
फिर तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे मैंने सारे के सारे बर्तन रखे हैं अपने, ये देखिए मेरा जो डिनर सेट था, पतीले हैं, बाल्टी वगैरह जो भी मेरा सामान था ना, बोतल्स जो के फ्रिज में अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब रख दिए। और यहाँ पे ये मेरी सब्जी की टोकरी है, ये देखें तो रख दिए, सब कुछ सेट हो गया किचन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा लग गया है, सुबह से लगे हुए थे और इस वक्त इतना कुछ थक गए ना, मैं शिफ्टिंग कोई इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है शिफ्टिंग करना। ये कि हो गई है तो ऐसे ऐसा सेटिंग भी होती रहेगी, अब ये एक दिन और एक दिन में कोई सेटिंग नहीं होती है, दो दिन तीन दिन चार दिन, यानी ऐसा ऐसा जैसे जैसे बंदे का दिल करता है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए, तो ऐसे ऐसा करता रहता है। वैसे भी उस घर में हमने सेटिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किराए का घर था, इधर हमने छोड़ नहीं था, लेकिन ये हमारा अपना घर है तो यहाँ पर जो है ना हमने सेटिंग अच्छी करनी है कि कोई भी आए तो ये ना कहे कि आपकी ये चीज़ गलत रखी हुई है, या आप लोग ना आप लोग देखने वाले तो आप लोगों ने हमें लाजम बताना कि सब ठीक है या हमने जो ना चेंज करना है। ये कि अभी हमारे बाहर आए हैं गेस्ट, इसलिए मैंने मेज़ रखी है ना, बस जल्दी जल्दी किचन में आदमी मिलते हैं, आप उनकी चाय चाय बनाते हैं, उनका मुँह मीठा करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे हमारे घर ना भाई मुबारकबाद देने आ रहे हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार रोज़ाना आ जाता है, रोज़ाना क्योंकि पहला दिन ही है तो कल भी काफ़ी सारे थे और आज तो भी सारा दिन मेहमान होने थोड़ी थोड़ी देर में, तो ये कि चाय में आते हैं जल्दी से और उनका मुँह मीठा करवाते हैं और फिर जो थोड़ी बहुत सफाई रहेगी ना तो वो करते हैं। जैसे किचन में एंटर होते ना तो कुछ इस तरह से हमारी किचन की सेटिंग है, इस साइड पे फ्रिज है और फ्रिज के साथ यहाँ पे चूल्हा और सारे जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए सारे मैंने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे ना देखें कुछ इस तरह से सेटिंग है और यानी अच्छी लग रही है। बाकी आप लोगों ने बताना है सब ठीक है या नहीं, और नीचे जब दराज लग जाएंगे फिर तो ये और ज़बरदस्त हो जाएंगी। जो चीज़ें अभी सामने नज़र आ रही है कुछ बुरी भी लग रही है मुझे पता है, लेकिन ये कि वो भी खूबसूरत हो जाएंगी। और इस साइड पर है हमारा दरवाज़ा, ये देखें, और हाँ दरवाजे का जो डोर्स का कलर है ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, ये देखें। अभी आपको क्या काम है कि अभी आप कह रहे शहर जाना है? मैंने शहर जाना है, घर की शॉपिंग करनी थोड़ी बहुत, वो करता हूँ जाके। हाँ वो कर लें, तो बताया था वो भी लेना है। हाँ मैंने इनको बताया, मैंने कहा एक दो डस्टबिन ले आए, किचन में मेरा डस्टबिन नहीं है, बाहर का नहीं है, वो भी लेना है। हाँ मेट ले लें, एक किचन का ले लें, किचन का अलग होना चाहिए, ठीक है, एक आगे पीछे दो मैट होने चाहिए, और इसके अलावा और जैसे जैसे याद आएगा और भी मैं लिख के भेजूंगी, बताई तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मुझे खुद ही भूलती गई है, ठीक है कि मैं आपको मैसेज लिख के भेज दूंगी, आप ले आना। सो बेगम ने मुझे बाजार भेजा था ये कुछ सामान, ये कुकर हमने ठीक करवाना था, वो भी ठीक करवा के लाया हूँ। कब से दिया हुआ था ठीक करने के लिए? ये इसकी रबर चेंज करवानी थी ना एक्चुअली में, ये वाली रबर और ये भी नहीं था हैंडल, ये इसका हैंडल मुकम्मल नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी खोलने का खोल खोल के तोड़ दिया इसको, वो बस टूट जाता है। और बाकी तुमने मुझे बोला था कि डस्टबिन लेके आऊं, सो किचन के लिए डस्टबिन लेके आया हूँ, कोई भी कचरा वचरा डस्टबिन है कहाँ रखोगी? मैं कहता हूँ फ्रिज के सामने रख दो उधर, यहाँ पे फिर कहाँ रखने का मूड है? यहाँ 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 ये जगह ठीक लग रही है, ये जगह ठीक लग रही है। हाँ ये बाहर दीवार पे लगेंगे ना, साबुनदानी बोलते हैं उसको, ब्रश व्रश भी खड़े रहेंगे यहाँ पे ना, वो पुरानी है, ये नई यूज करेंगे, नए घर में नई चीज है वो भी वैसे न्यू है आज तक। पर ये पता है ये कैसे चलता है? हाँ, आई हाँ, दबाओ। हाँ, ये शॉपर है तो सही, इसका ये डालना पड़ेगा, ये तो नहीं वैसे कोई भी डाल सकते हैं जब ये फुल हो जाए। नए घर में सफाइयां हो रही हैं भाई, बेगम देखें कितनी मजे से भाई जो है ना वो सफाइयां कर रही और बड़े शौक से कर रही है। अच्छा तुम वहां पे तो नहीं करती थी? काफी सारे व्यूवर्स कहते थे भाई घर को तुम गंदा रखती हो, सही नहीं रखती, यहाँ पर तो भाई चमकाया हुआ है, देखो फर्श को, अच्छी बात है भाई चमकाना। अच्छा वो किराए का था इसलिए, वाह बेगम कह रही है वो किराए का घर था, रेंट का घर था तो मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, ये हमारा अपना घर है, तो देखे फर्श को कितना चमकाया हुआ है भाई। भाई आप लोग मेरी बेगम की हमें खाम खाई बुराई करते रहते थे कि अभी सफाई नहीं रखती, घर को गंदा रखती है, भाई चमका तो रही है अभी, देखे माशाल्लाह। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, मजे लगा रहे हैं मेरे घर के ऊपर।
तो किचन की हमारी सेटिंग हो चुकी है और जितनी भी मैंने सेटिंग की है ना अभी तक आप लोगों से सारी शेयर की है और बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है न्यू घर की शिफ्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, तो जैसे जैसे अपग्रेड होती रहेगी किचन में पूरे घर में तो वो भी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। अभी पूरे घर में कोई हमने खास सेटिंग नहीं की है और ना ही कोई हमने बस ये फर्नीचर भी नहीं है अभी पूरा खाली का खाली पड़ा है। अभी आपको पता है हमने फर्नीचर भी बहुत लेना है, पूरा हमारा बेटा खाली पड़ी है, पूरी हमारे एक रूम है वो खाली पड़ा है, तो ऐसे ऐसे फर्नीचर लेंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो भाई जो हमारा सामान था ना उसी को हम लोगों ने सेट करना है और इस तरह से सेट करना है कि वो अच्छा लगे। तो बच्चे तो यहाँ पे देखिए खेलने में लड़ने में भिड़ने में मसरूफ हैं, तो मैंने भी जो है ना खाना खाना बनाना है तो मैं चलती हूँ खाना बनाने और आप लोगों से साथ में जा सकते फिर मेरी वीडियो में, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। जी पानी नींबू वाला है अलग तरह से।